Ciao Marion, ciao va. या चलो दो बोतलें तो हैं, उठा के तीसरी मंजिल चढ़ दे, दूसरी पे सांस निकल के तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का वीलॉग। और आज का वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम छुट्टी है तो आज हम जा रहे हैं एक इंडोर पार्क में। हमेशा जाते हैं आसपास के पार्क में, तो आज खुरम की भी छुट्टी है तो फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो थोड़ा सा दूर है तो चलिए आपको दिखाते हैं वो वाला पार्क। ये हम जा रहे हैं पार्क में। ये पार्क है इंडोर जंपिंग पार्क, और यहाँ पर इसको कहते हैं स्पेनिश में साल्टिंग। इस पार्क का नाम ही यही है। ये देखें साल्टिंग पार्क। और ये तैयार हो गए जंपिंग के लिए। बंद होने वाला है तो हमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला है। ये स्पेशल इनकी सॉक्स होते हैं जो पहन के जाना होता है जंप करने के लिए। और ये शिवी का नंबर लग गया है, बस 3 मिनट रह गए, वो ख़त्म होता है तो फिर ये शुरू करेगा। जहाँजेब भी रेडी हो गया है सॉक्स पहन के, बस अब जाने लगे हैं। पापा के साथ वेट कर रहे हैं। यहाँ पे शोर है, काफ़ी रश है, जिसकी वजह से आवाज़ आपको कम आएगी। ये है वो पार्क, इधर सिर्फ जंप ही जंप करना है इन्होंने। और चले गए वो, देखें दोनों भाई। अब इनको आधा घंटा हम नॉर्मली करवाते होते हैं जब आते होते हैं, तो आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला है। 15 मिनट अब ये जंप करेंगे। ये साल्टिंग एरिया के अलावा वहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम है। कॉफ़ी पी सकते हैं आप मज़े से बैठ के। उसके अलावा बर्थडे मनाई जाती है। काफ़ी एरिया है, बेंच लगे हुए हैं जिन्हें वो 4 बजे, बल्कि हालांकि वो सजा भी रहे थे, कोई बर्थडे पार्टी होनी थी वहाँ पे। हमारा भी प्रोग्राम बन रहा है कि शाहजेब की जब बर्थडे आएगी जनवरी में तो उधर ही जाके सेलिब्रेट करें, केक काटेंगे, ये लोग जंप। कोई मज़ा नहीं आ रहा, ठंडी कॉफ़ी को ले आए हैं बस, वैसे पी रही हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ शुक्रिया औरत, गजब बेइज्जती है। जहाँ हम आए हुए आज, ये मानसा से थोड़ा सा आगे करके है, इस एरिया का नाम है सांत फ्रुक्टोस। और बहुत ही खूबसूरत एरिया है, पहाड़ ही पहाड़, और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है आज। धूप है, ठंड है, लेकिन ये है कि इतनी नहीं है कि आप सब बर्दाश्त हो सके। मज़ेदार मौसम में मज़ेदार सी आज हो गया हमारा बच्चों का आउटिंग। थोड़ी मिली लेकिन ये है कि हो गई। अब जाते जाते ये नहीं होगा टेंशन कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। आगे स्वाद, कितना मज़ा आ गया चिको आज, पापा को बताओ ऐसे करके। कितना मजा आया, मजा आया। साथ साथ खा रहे हैं, मुंह भरे हुए हैं इनके, मामा ने केक फंसा हुआ इनके मुंह में, क्योंकि खाना नहीं खाकर आए थे और साल्टिंग के बाद उनको भूख लग गई थी इसलिए। और धूप सीधी मेरी आंखों में जा रही है और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, वैसे भी नजर नहीं आता। और यहाँ मैंने ली कुछ टिकटॉक के लिए वीडियोस। इतनी खुली और मज़ेदार सड़क, और वो भी खाल मखाली, इतनी दूर तक मज़ेदार सी। बाय बाय साल्ट। ये देखिए जी, ये हमारी पहाड़ी, सबसे प्यारी पहाड़ी जो आपको हर वीडियो में नज़र आती है। हालांकि आज हम मानसा से काफ़ी दूर आए हुए हैं, लेकिन इधर से भी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये आपको जहाँ से भी, अब आप इस पहाड़ के ऊपर एक चर्च है जहाँ ये लोग स्पेशल इबादत के लिए भी जाते हैं, और विज़िटर तो जाते ही जाते हैं जो लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह, लेकिन ये कि यहाँ ये लोग इबादत के लिए भी स्पेशल जाते हैं। अभी 4-5 महीने पहले यहाँ पर अमेरिका का सदर बराक ओबामा
वो अपनी वाइफ को लेकर आया हुआ था यहाँ पर। बहुत फेमस जगह है यहाँ की, हम दूर से ही देखते रहते हैं, अभी तक जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये कि हमारे घर से नज़र आती है तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है शहज़ादी। जब ये नज़र आती है तो शहज़ादी नज़र आ जाती है हमें। बाकी पहाड़ भी हैं लेकिन उसका लेवल ही कुछ वखरा है। कहाँ पे आए हो? पिज़्ज़ा लेने आए हो? अच्छा जी, शेबी क्या हो रहा है? क्या टाइम हुआ? टाइम क्या हुआ? तो से 22 बजे। क्या तो से 22 बजे हो गए? अच्छा अच्छा, क्या अच्छा लगा शेबी को इसमें से? क्या खाएगा? अच्छा जी, कौन किधर आया तू? किधर आया? Ya está aquí el pizza, Johnny. ¡Johnny! ¿Pizza caiga? ¿Y Chevy tú también? ¡Oh, my God! ¡Wow! Bismillah. आज फिर दिया से शॉपिंग करनी थी, ठीक है, महीने का राशन पूरा करना था, तो ये सामान ले आए हैं। पानी की दो बोतलें रह गई नीचे, वो अभी हमारा मौका ले आएगा। शाबा जवान, शाबा। हेलो भाई। हाँ। नहीं आ रही थी। यार, सिर्फ दो बोतलें ही तो हैं, उठा के तीसरी मंजिल चढ़ते हुए दूसरी पे सांस निकल के तरह। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बड़ी जबरदस्त बन रही फरी, आज तो अच्छे सलवार कमीज पहने भी तुम्हें हैं। ये हमारी बहुत सुगढ़ सी लड़की है। अच्छा मुझे ये बता कि तू बच्चों को लेके चली गई तो ये बेचारी घर में अकेली, इसको काम पे रखा हुआ तुमने? इधर आके बोलना, क्योंकि उससे नमाज पढ़नी थी, नमाज का। तो क्या ये कहीं पे लेके जाने के काबिल नहीं है या क्या वजह है मुझे बता? नहीं नहीं, ले जाने के काबिल है, लेकिन वो काम थोड़े से रहते थे, अगर हम सब चले जाते तो घर रह जाना था, तो इसलिए उसने सारा घर संभाला था, सारी सफाई की है। नहीं माशाल्लाह, माशाल्लाह अच्छी बच्ची है पम्मा, घर के सारे काम करती है, सुगढ़ लड़की है, बस थोड़े से विटामिन की कमी है, लेकिन बाकी सारे गुण इसमें है, आयोडीन की कमी है, ठीक है। आज फर्स्ट टाइम ये हांडी बनाएगी और अल्लाह खैर करे। जोनी पिज्जा खा के थक गया तू है? शेबी तू क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? मेरे इस बच्चे ने लगता है या तो होटल में बर्तन धोने हैं या फिर इसने कोई होटल खुद खरीदना है, ठीक है, लेकिन अभी जो हालात लग रही है वो लगता है बर्तन धोने वाली ही है। और मेरे इस बच्चे ने पुलिस में बनना है। ओला पुलिसिया के ताल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जोनी में और शेबी में, ठीक है, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। इसको पुलिस बनने का शौक है, उसको बर्तन धोने का शौक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, आज़ाद मुल्क में रहते हैं, मर्जी के मालिक हैं। नहीं जी, उस दिन जब हम लोगों ने बालकनी में ग्रास लगाया था, हमने नहीं बल्कि फरी ने लगाया था, इसीलिए लगाया था, नहीं तो ये फर्श ठंडा होना था इस टाइम। आज मैं बना रही हूँ शलजम चिकन, तो इसके लिए जो जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं, चिकन शलजम मैश किया हुआ है, उसके अलावा प्याज है, दो प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने बारीक काट लिया है, दो टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और ऑयल। सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज डाल दिए और इसको मैंने लाइट गोल्डन सा करना है। अब इसी स्टेज पे हम इस पे चिकन डाल देंगे और अच्छी तरीके से भुनेंगे।
इन प्याज़ों में मैंने चिकन डाल दिया और साथ ही लहसुन अदरक भी डाल दिए और इनको अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को भूनेंगे। अब ये मैंने काफ़ी हद तक भून लिया है, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, गोल्डन कलर का हो गया चिकन। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया, अब इसमें टमाटर और मसाले ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें टमाटर और मसाले ऐड किए हैं और अब इसको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे कि टमाटर गल जाएं और मसाला अच्छी तरीके से मिर्चें भून जाएं। चिकन गल गया था तो मैंने इसमें शलजम ऐड कर दिए और अब इसको ज़्यादा से 10 से 12 मिनट और पकाऊंगी और फिर इसको भून लेते हैं। शलजम चिकन अच्छी तरीके से मैंने भून ली है और इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। बस अब मैं चूल्हा बंद करने लगी तो मैंने कहा आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखा दूँ। हमने खाना है इसको बॉयल्ड चावलों के साथ और मामा आज हमारे जिम की तरफ से कुछ एक्टिविटी होनी थी किसी और जगह पे तो हम उधर आए हुए, बस अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बच्चे और पर है, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ आज क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अभी देखते हैं जी क्या करना है। इतना एंजॉय कर रहे थे छोटे छोटे बच्चियाँ स्कूल की, ये हमारे घर के पास जो स्कूल है सारे बच्चे उधर के हैं और फुल एंजॉय हो रहा था। ये देखें मज़े मज़े से डांस हो रहा है। इन बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद मेरे जिम के जो पार्टनर्स हैं और ट्रेनर्स हैं उनकी एक परफॉर्मेंस है। और इनमें से दो मेरी ट्रेनर हैं और बाकी ही मेरी क्लास में मेरे साथ कोलीग्स हैं मेरी। ये इनका एक्ट था। मुझे भी कहा था मेरी ट्रेनर ने कि तुमने भी ये एक्ट करना है पर मेरी प्रैक्टिस नहीं थी तो इस वजह से मैंने इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बस खाली मैंने देखा है जाके इनको और ज़बरदस्त इन्होंने किया। हमें तो पता ही नहीं था कि इतने लोगों ने आना है, तो जब हम गए तो पूरा हॉल भरा हुआ था लोगों से और सारों के जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे उनके माँ बाप और जितने जिम में लोग आते हैं सब के सब, तो काफ़ी मज़ेदार था। उसके बाद छोटे बच्चों ने वो जब सेंटा की एंट्री हुई उससे पहले उन्होंने परफॉर्म किया, फिर सेंटा क्लॉस आया और सारे के सारे उसके इर्द गिर्द चले गए, वो गिफ्ट देने लग गया सबको। हमारे लोग तो किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं करते और ना ही इंजॉय करते हैं, ये लोग छोटे से छोटा इवेंट भी इतना इंजॉय करते हैं और ख़ास तौर पर हमारे गाँव में तो एक से बढ़कर एक फेस्टिवल आता है। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ ये लोग एक्टिविटी करते ही रहते हैं, तो अब तो पूरा महीना ये जो लास्ट है 25 दिसंबर तक इन्होंने कुछ ना कुछ करते ही रहना है और मैंने आपको दिखाते रहना है। देखिए अब सेंटा क्लॉस आ गया इनके बीच में और सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। ये देखें जी वो अपने थैले में से निकालेगा, गिफ्ट देगा और बच्चे खुश। एक दाई विदक्षा एक दाई विदक्षा एक दाई विदोती।